Students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start essential elements of a valid contract. किसी valid contract को बनाने के लिए क्या क्या elements होते हैं जो उसे valid बनाते हैं. First is the agreement. Agreement क्या होता है? Offer plus acceptance is called a agreement. इसमें दो parties का होना जरूरी है, minimum two parties. एक जो offer दे, दूसरा जो उसे एक्सेप्ट करे. इसकी एक और कंडीशन है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल. उसकी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने किसी बी पर्सन को कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा. तो इसमें एक कंडीशन है कि मैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें सेल कर दूंगा एक एडिक्वेट अमाउंट में. तो ये कंडीशन है, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सेकंड वन इज फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट को सिंपले वर्ड्स में कह सकते हैं कि बिना जोर जबरदस्ती के जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं आपसी सहमति से, उसे फ्री कंसेंट कहते हैं. फ्री कंसेंट में कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक इन्वॉल्व नहीं होते. ये सारे वर्ड्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन. जो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कहा कि तुम मेरी कार 5 लाख में खरीद लो. बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो बी को कंसिडरेशन में कार मिल रही है और ए को उसके बदले अमाउंट मिल रहा है कार का. दोनों के पास कुछ ना कुछ कंसीडरेशन में आ रहा है. कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, वो लीगल होनी चाहिए, अनलीगल नहीं होनी चाहिए. कंसीडरेशन मे बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. और फोर्थ वन इज पार्टीज आर कम्पिटेंट. पार्टीज जो हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कम्पिटेंट होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए. इसके तीन कंडीशंस एप्लीकेबल हैं. पहला कि पर्सन मेजर होना चाहिए, मतलब 18 प्लस उसकी एज होनी चाहिए. सेकंड, वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. और थर्ड वन इज नॉट डिस्क्वालिफाई फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ. मतलब पास्ट के में उसने कोई ऐसा फ्रॉड ना किया हो जिसकी वजह से उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया हो कानून द्वारा. फिफ्थ इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जो जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो भी लॉफुल होना चाहिए. फॉर example, ए ने बी को कहा कि तुम मुझे 50,000 रुपये दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा, हम ड्रग सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो दैट्स नॉट अ लीगल. द ऑब्जेक्ट इज बैन इन इंडिया. तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सिक्स पॉइंट इज लीगल रिलेशनशिप. हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि वो हम लीगल रिलेशनशिप्स, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी ने भी फ्रॉड करने की या डिनाई करने की कोशिश की तो अनदर पर्सन उसे कोर्ट में सू कर सके, वो उस चीज़ के लिए लायबल हो कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सके. फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें नेकलेस गिफ्ट करूँगा तुम्हारे बर्थडे पर ऑन हर बर्थडे वो भूल गया. तो इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी. उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप नहीं था. तो सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते. आज सेवन पॉइंट इज
एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अवॉइड, एग्रीमेंट ऐसा ना हो कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो, अनलॉफुल हो, अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ हो. नाइन्थ वन इज सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ अ परफॉर्मेंस. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए और कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो परफॉर्म करने की. जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, डी ने एग्री किया सी को गारमेंट्स बेचने के लिए, पर उन्होंने टाइप, क्वालिटी, वैल्यू और चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं किया. तो जाहिर सी बात है, जो बी सेल करना चाह रहा हो, उन्होंने एग्री तो सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया, पर जो बी डी सेल करना चाह रहा है वो चीज़ अलग है, और जो सी बाय करना चाह रहा है अपने मेंटालिटी से वो चीज़ अलग है. तो सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके उन्हें उनके सेंसेस और उनकी मेंटालिटी अलग अलग है, तो ये एक सर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. उसी के बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ए ने बी को कहा कि मैं अपने मैजिक के थ्रू रेनफॉल कर सकता हूँ, तो ये कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में नहीं आती. परफॉर्मेंस शुड बी अ पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो. ए ने जो बी को प्रॉमिस किया है उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता. लास्ट पॉइंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज. लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूरी था कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, पर उन दोनों के द्वारा ही वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं लिखा गया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई. नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने तरह के होते हैं और इसे कैसे कैसे बांटा गया है ये हम इसमें देखेंगे. सो आ ए पार्ट इज बेस्ड ऑन अ इन्फोर्सिबिलिटी. इसका फर्स्ट पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, यही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर इसमें से एक भी एप्लीकेबल नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो वॉइड अब इनिशियो होते हैं, जो स्टार्टिंग से ही या तो रॉन्ग होते हैं या अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं हैं, तो वो शुरुआत से ही वॉइड होते हैं. वॉइडेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मेन चीज़ होती है कि इसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं होता. इसमें दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होती हैं, पर अगर एक ही पार्टी को राइट होता है एक्सेप्टेंस का भी और ऑफर का भी, ये किसी कॉरिजन के थ्रू कराई जा सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, वॉइड एग्रीमेंट तो होते हैं जो स्टार्टिंग से ही जब वो बनते हैं तभी से वो गलत होते हैं या अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, पर जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जब बनाए जाते हैं, जब वो एग्रीमेंट होते हैं तब वो वैलिड होते हैं, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पर भी होते हैं, पर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन और सम अदर रीजन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं. जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो उन्होंने एग्री किया कि हम पॉलीबैग्स का बिजनेस करेंगे. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे गवर्नमेंट की तरफ से यह ऑर्डर आया कि नेक्स्ट डे से ही पॉलीबैग्स बैन हो रहे हैं उस सिटी में. तो जब वो एग्रीमेंट हुआ था, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आई थी एक दूसरे की तरफ से, तब तक तो वो वैलिड था, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था, पर जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आया वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया.
अब कोई भी इसे लीगली कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकता। द फिफ्थ पॉइंट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ए और बी दोनों पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्री एंटर किया। अब बी जो पार्टी थी उसमें जरूरी, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा उसमें जरूरी था कि दो डायरेक्टर के साइन हो, पर उसमें साइन एक ही डायरेक्टर के हो पाए। तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल इश्यू वो अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ रहा हुआ, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो अनइन्फोर्सेबल बाय ऑब्वियसली लॉ होते हैं, वो एक वॉइड एग्रीमेंट भी माने जाते हैं। अब वॉइड और इनलीगल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वॉइड के अंदर हमारी कोई पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट में पनिशमेंट होती है। और इसका एक स्टेटमेंट है कि जो सारे इलीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड होते हैं, पर सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते। तो आर बी पॉइंट इज बेस्ड ऑन अ मेथड ऑफ फॉर्मेलिटीज। इसका फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बेसिकली वो अपनी फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। इसमें लैक ऑफ कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड कॉन्ट्रैक्ट सील आर इन राइटिंग एंड साइंड बाय अ पार्टीज ऑफ देम। तो फर्स्ट, पहला वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें कोर्ट की जजमेंट के द्वारा लैक ऑफ कंसिडरेशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। और सेकेंड वन इज साइंड बाय बोथ ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट के द्वारा अगर वो लैक ऑफ कंसिडरेशन में भी एग्रीड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो भी वो वैलिड माना जाएगा। सेकेंड वन इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को पैरोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। देन अ सी पॉइंट इज बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दोनों पार्टीज के द्वारा एक साथ कंप्लीट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर्स, इसमें दो पार्टीज होती हैं, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वो दोनों एक साथ परफॉर्म करती हैं। इसी का सेकेंड पॉइंट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्वॉल्व तो दो ही पार्टीज होती हैं, पर एक अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म कर चुकी होती है और दूसरे का भी करना बाकी होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, जैसे आप अपनी ट्यूशन की फीस पे करते हैं, तो आप दोनों एक तरह से, आपके टीचर और एक स्टूडेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर है। स्टूडेंट अपने फी पे कर देता है लेकिन जो टीचर है उसका सिलेबस अभी बाकी है, वो उसकी तरफ से अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। तो आर डी पॉइंट इज बेस्ड ऑन अ ऑब्लिगेशंस। इसका फर्स्ट है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जिसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। सेकेंड वन इज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड वन इज मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो आर ई पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। इसका फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट।
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये हमें सेक्शन 9 बताता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस किए जाते हैं वर्ड्स के द्वारा, इट्स मे बी इन ओरल और मे बी इन रिटन, उसकी एक्सेप्टेंस और जो ऑफर होता है वो दोनों ही एक्सप्रेस होता है। सो सेकेंड वन इज इम्प्लाइड और इनफ्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारा सेक्शन 9 ही हमें बताता है। एक ऑफर और एक्सेप्टेंस जिसमें वर्ड्स नहीं होते, इसका पता हमें कैसे चलता है, किसी कंडक्ट के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में जज एक हैमर से ऑर्डर करता है, इट मींस की सेटल डाउन और कीप क्वाइट, तो वो कुछ कहता नहीं है पर उसके कंडक्ट से, उसके कोड ऑफ एक्शन से हमें पता चलता है। थर्ड पॉइंट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल्स के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे शेयर मार्केट्स, आप उसकी आज के रेट में उस पर ऑनलाइन ही अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं, ऑनलाइन ही आपके उस पर एजेंट मिल सकता है, ऑनलाइन ही आप उस पर बाय और सेलिंग कर सकते हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे।